गाइस, दिस इज पल्लवी एंड आज का टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑल टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक जो हम कवर करेंगे। पहला है आपका एटमॉस्फेयर, सेकेंड इज एयर जिसकी मूवमेंट, एयर पोल्यूशन। थर्ड टॉपिक इज रेन, फोर्थ इज वाटर एंड पोल्यूशन, वाटर एंड पोल्यूशन। फिफ्थ इज ओजोन लेयर एंड सिक्स्थ इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर। क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर होता है जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें जो चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ एज अ ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये किसकी तरह काम करता है? ब्लैंकेट की तरह, ठीक है। अब ये हमारे लिए एसेंशियल क्यों है? आपका एक क्वेश्चन है कि जो हमारा एटीएम है यानी एटमॉस्फेयर है, वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल क्यों है, क्यों हमको इसका इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, एटमॉस्फेयर जो है उसमें हमारी ऑल काइंड ऑफ क्या है, गैसेज है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, गैसेज है। ये सनलाइट से हमको क्या करता है, सनबर्न से हमको क्या करता है, बचाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सन है, ये सनबर्न से क्या करता है, बचाता है हमको। यहाँ पे गैसेस है, हमारे प्लांट्स हैं, एटमॉस्फेयर में ही है ना, बिना एटमॉस्फेयर के तो हो नहीं पाएगा कुछ। और क्या है यहाँ पे, दो फैक्टर्स है, एक है हमारा बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या होंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर में क्या होगा? सनलाइट, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, जो क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। और ये एबायोटिक हमको मींस किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा। इसलिए क्या है, एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या हो पाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी ये फैक्टर्स हैं, कौन कौन से गैसेस हो गए, प्लांट्स हो गए, रिवर वाटर हो गया, ये सोर्सेज हमको यानी बायोटिक फैक्टर्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।